दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में ना तो साफ पानी मिल रहा है और ना ही हवा। ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि यूपी का भी है, जहां प्रदूषण का स्तर काफी मात्रा में बढ़ चुका है। इस दमघोटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। धुंध की सफेद चादर में लिपटी ये दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीर है जहां प्रदूषण ही प्रदूषण है। इन इलाकों में AQI इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जिस भी तस्वीर को देखें, दूर दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा। दिवाली से पहले दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। दिल्ली में कहां कितना AQI, बवाना 380, आनंद विहार 358, जहांगीरपुरी 370, रोहिणी 357, अशोक विहार 361। ये दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। बीते कई दिनों से दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का डबल अटैक है, क्योंकि यहां तो न साफ पानी है और न हवा। इस दमघोटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिवाली पास है और ऐसे में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही साफ नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ चुका है, पानी जहरीला हो गया और हर तरफ स्मॉग की सफेद चादर दिख रही है। राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ता प्रदूषण दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली की हवाओं के साथ साथ पानी भी जहरीला हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालिंदीगंज इलाके में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दिल्ली की यमुना नदी के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ने के कारण पानी जहरीला हो गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से दिल्ली के यमुना नदी के ऊपर सफेद झागों की जो ये परत है पूरी नदी को घेरे हुए है, और कहीं ना कहीं इसी के कारण दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसके कारण प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के लोगों को पानी सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को हवाओं के साथ साथ पानी भी जो है जहरीला मिल रहा है, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कैसे लेवल में लाया जाए और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के लोगों को मजबूरी में इस जहरीली हवा के बीच सांस लेना पड़ रहा है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली सरकार का प्लान ऑड इवन लागू हो सकता है। ड्रोन से प्रदूषण की निगरानी, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, पटाखे बैन करने का फैसला, 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश की तैयारी, मिलकर चले प्रदूषण से लड़े थीम पर फोकस। जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसमें कैसे बड़े पैमाने पर जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं PUC चेकिंग का अभियान, उसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको चेक करने का अभियान, जगह जगह रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जो रेड लाइट पे जो तेल जलाते हैं लोग उसके लिए अभियान, तो इन सब चीज़ों के लिए इन्फोर्समेंट और जन जागरूकता के लिए 10,000 जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स मार्शल्स थे उनको नियुक्ति करने के लिए सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही जन जागरूकता अभियान भी हम तेज करेंगे। ये तो बात हुई दिल्ली की, अब जरा उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें भी देखिए, जहां प्रदूषण के चलते ताजमहल साफ दिखाई नहीं दे रहा। दिवाली से पहले आगरा की आबो हवा भी बिगड़ चुकी है। जहां भी नजर घुमाए सब कुछ धुंधला सा नजर आएगा। दिल्ली में हर दिन बद से बदतर हालात हो रहे हैं। दिवाली पास है और ऐसे में लोगों को ना तो साफ पानी मिल रहा है और ना ही हवा। सवाल तो बड़ा यही है कि आखिर कब तक इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकलेगा, कब लोग साफ हवा ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।